प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दूसरा चरण चलाया गया, तो वहीं आष्टा के सिविल अस्पताल में ड्राई रन के दौरान 28 लोगों को डमी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तो वहीं इस दौरान क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय का रुआब भी चर्चा में रहा, जहां उन्होंने पुलिस आरक्षक को फटकार लगा दी। देश भर में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दूसरा चरण चलाया गया, तो वहीं सीहोर जिले के आष्टा में सिविल अस्पताल में ड्राई रन के दौरान 28 लोगों को डमी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जो ड्राई रन हो रहा है, मॉक ड्रिल जैसा है ये, जिसमें कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं आया है, परंतु जब वैक्सीन आएगा तब हम तुरंत जो है उसको किस तरह से एक मास पॉपुलेशन को पहुंचा सकेंगे और किस तरह से लगाना और उसमें क्या क्या सावधानियां रखना है, उसकी एक ये मॉक ड्रिल हो रही है। मॉक ड्रिल इसीलिए रखा गया है कि जो प्रोसेसेस है वो सही ढंग से हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंपेन करने के प्रति जो तैयारियाँ होती है वो देखने के लिए है। मैंने यहाँ आकर के मॉक ड्रिल को देखा, साथ ही WHS आए डॉक्टर ने भी देखा, जैसे कि तैयारियाँ है जिनको देख करके लग रहा है कि आने वाले समय को हम बेहतर तरीके से और हमारी पूरा मेडिकल स्टाफ इसको एक चैलेंज के रूप में लेंगे और हमें पूरा यकीन है कि हमारी टीम बेहतर प्रदर्शन करके इस काम को बखूबी अंजाम देगी। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय का रुबाब भी चर्चा में रहा, जब उन्होंने कुर्सी पर बैठे आरक्षक को महज इसलिए हड़का दिया क्योंकि वो विधायक जी के सम्मान में खड़ा तक नहीं हुआ। आप भी सुनिए। तो सुना आपने, विधायक रघुनाथ सिंह मालवी SDOP को हिदायत देते हुए नजर आए। बहरहाल आष्टा में वैक्सीनेशन का दूसरा ड्राई रन सफल साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज, आष्टा। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में ड्राई रन का आयोजन किया गया, यानी कि एक मॉक ड्रिल जो कि कोविड वैक्सीन को लगाने के लिए की जा रही है। आप आज सिविल अस्पताल आष्टा में हैं इस वक्त, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी। पेशेंट की स्क्रीनिंग होने के बाद पेशेंट अंदर जाएगा जहाँ पर उसके वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेशेंट वहाँ से स्क्रीनिंग करवाने के बाद यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पहुँचने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन ID ली जाएगी। ID के बाद उनका सॉफ्टवेयर पर एंट्री की जाएगी। ये पहली बार ऐसा होगा जब भारत सरकार के सॉफ्टवेयर में एक बार में डायरेक्ट एंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँचेगी। उसके बाद पेशेंट यहाँ पर आएगा, पेशेंट के आने के बाद यहाँ पर उसे वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन से होने वाले कुछ दुष्परिणाम के बारे में समझाया जाएगा। वैक्सीन लगने के उपरांत ऑब्जर्वेशन रूम में पेशेंट को लिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेशेंट वैक्सीन लगवाकर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एंट्री करवाएगा। एंट्री करवाने के बाद उसे आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में यहाँ पर रखा जाएगा। आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद अगर उसे कोई रिएक्शन होती है तो उसका इलाज भी किया जाएगा। वहाँ से एंट्री होने के बाद पेशेंट यहाँ से एग्जिट होगा, आधे घंटे बाद होगा। और जिस प्रकार से BMO डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने बताया कि एक दिन में हमारी एक कोशिश रहेगी कि 100 से अधिक वैक्सीन हम लगा दें। ऐसी इन भारत के लिए अमित मंकोड़ी, आष्टा।